चुरा लेगा। अम्मा अम्मा सब चुरा लेगा, सब चुरा लेगा, अम्मा सब चुरा। सलाहकार महोदय, आप अभी या क्यों? क्या बात है महोदय, आप अभी तक सोए नहीं? चुरा रहा था। अम्मा नींद नींद, अम्मा नींद चुरा रहा था, पर अम्मा ठीक से नींद चुरा नहीं पाया, इसलिए अम्मा सो नहीं पाया। आएगी भी कैसे नींद आपको, इतनी जोर से सर्दी जो लगी हुई है, परंतु अब सब ठीक हो जाएगा। वो डब्बे अतिथि को काढ़ा पिलाओ। अरे ये क्या रामा, ये तो वाकई चोर निकला। देख रहा हूँ देख रहा हूँ, चुप बैठ थोड़ी देर। सब क्या है महोदय? चुरा लो, इतना सब तो चुरा चुके हैं, अब शेष क्या रहा है चुराने को? अयो श्रीमान, हमको हमको क्षमा कर दो जे, हम चोर नहीं जे, सच्ची है, ये चोरी करना हमारी एक बीमारी, हमारी बहुत पुरानी बीमारी है। हम जहाँ जाता है छोटा मोटा चीज देखता, हमारा हाथ उसकी तरफ बढ़ जाता जी। हमें इसका बहुत उपचार करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जी। हमें यहाँ जो छोटा मोटा चोरी किया, ये इस महल की याद को साथ रखने के लिए किया। हम पहले भी बहुत लज्जित हुआ, हम आज भी लज्जित हुआ आपके सामने। हम आशा करते कि आप हमारी बीमारी की व्यवस्था को देख कर आप हमको क्षमा कर देगा। समझ सकता हूँ मान्यवर, इसीलिए आपसे ये मेरा नम्र अनुरोध है कि महायोजन तक स्वयं पर थोड़ा अंकुश रखें। वैसे भी ये भगवान गणेश महाराज के पुण्य आगमन का महोत्सव है, आप उनका हर क्षण स्मरण करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और यदि चुराना ही है तो अपने मधुर संगीत से अपने श्रोताओं का हृदय चुराई। इन छोटी मोटी वस्तुओं में क्या रखा है, आपका असल धन तो वही होगा ना। तुम्बा तुम्बा तुम्बा, धन्यवाद आग्रह तुम्बा। हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। इतनी तो हलकते भी तोल देती है। नहीं गुंडप्पे, मथुरा दास की तरह ये भी चोर नहीं है, ये बेचारा तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। छोटी मोटी वस्तुएं चुराना और बात है, परंतु चंद्रमणि जैसा बहुमूल्य हीरा चुराना इसके बस की बात नहीं। फिर भी नजर तो रखनी पड़ेगी। चल अब बाकी लोगों को काढ़ा पिला दे। चल आचार्य, आइए मैं आपको एक और नया मार्ग दिखाता हूँ जिसमें उस पंडित रामा के चंद्रमणि लाने की संभावना है। और उसमें आप आचार्य कहाँ चले गए? आचार्य आचार्य कहाँ है आचार्य? ले निकल लिया बुड्ढा, मुझे पता कहाँ गया होगा अपना विलासी बुड़ो। चल देखिए चल चल चल। हुचु कुचु। अरे वाह, बड़ा अच्छा जी। ओह माय गॉड, ये आपको कहाँ मिली? मैं कब से ढूंढ रहा था इसको। बस ऐसी खूबसूरत चीज छिपाए छिपती है। और आप इसे मुझे रिटर्न करने लिए आई है? वैसे तो आया हूँ, यदि आपको आई है पसंद है, वही आपका ये अनमोल झुमका लौटाने के लिए आई हूँ। So sweet, thank you. Thank you. क्या हुआ? कॉकरोच, कॉकरोच वहाँ।
ये क्या करो जी, कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। ठीक है ठीक है, कुछ अधिक बोल गए, बाद में देखते हैं तुम्हें। यदि फिर कभी ऐसा दुष्ट कीड़ा आपको सताए ना, तो हमें स्मरण कीजिएगा, हम आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। खून की नदियां बहा देंगे, आपको आज नहीं आने देंगे। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, सौभाग्य है हमारा किया आप हमारा एक काम और सकते हैं। आप आदेश दीजिए। कुछ 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 कुछ। राज पुरोहित तथाचार्य आपकी खड़ाव मिल देंगे। नो नो, खड़ाव नहीं, माशू। समझे नहीं? मेरे एक पैर का एक शू कहीं लॉस्ट हो गए हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा। माय लकी शू, उसको ढूंढने के लिए बोल रहे हैं मैं, और ये क्या टाटाचार्य? टाटाचार्य? ना वैसे ये टाटाचार्य भी आपके सुरीली अदरों से बुरा प्रतीत नहीं हो रहा। चुकुचु। क्या कह रही थी आप? हमने आपकी कान में इसके लिए कही थी कि बाल हमारे और आपके बीच रहे, पर आपको लाउडली सबको बता दी। अरे नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं, इनकी चिंता मत कीजिए, ये वही सुनते हैं वही देखते हैं जो हम चाहते हैं। तो जूता खो गया आपका, एक काम का मिल जाएगा, समझे? मिल गया, हम ढूंढेंगे स्वयं आपका जूता, बहुत जल्द चले। थैंक यू, थैंक यू टाटाचार्य, कितनी अच्छी है आप। वो तो हम हैं। शिवरात्रि। अरे आचार्य, चलिए, विलंब हो रहा है। संभलिए आचार्य, संभलिए। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही थी कुंडप्पे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ गुंडप्पे, इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी अपनी पूरी भ्रष्ट मंडली के साथ। चल देखते हैं। हे हैंसम, तुम यहाँ? I'm sure मुझसे मिलने आए होंगे। हाँ,
जी जी आप ही से मिलने आ रहे थे। तो बाहर क्यों खड़े हैं आप, अंदर आए। हाँ चलिए। तो कैसे आना हुई यहाँ? मैं तो हुआ हूँ ना, वही कह रही है। कुछ नहीं, आपके छींक के लिए। अच्छी काढ़ा काढ़ा लेकर आए मंडप पे। और ये भी पूछने आया था कि कहीं किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं, हमारे अतिथि सत्कार से कोई असुविधा कोई शिकायत तो नहीं? एकदम छोटे मोटे। जैसे? जैसे डिनर बहुत ज्यादा स्पाइसी था। हाँ? तीखा। तीखा खाना। हाँ? और कमरा के कर्टन्स की कलर मेरा नाइट ड्रेस से मिलता नहीं रही, और बेडशीट्स बहुत बोरिंग और रूम साफ नहीं है। बस ये एक दो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है। छोटी मोटी कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, आपका कक्ष ही बदलवा देते हैं। नॉट बैड, जस्ट कीप वन थिंग, कमरा का विंडो ईस्ट साइड में और डोर वेस्ट साइड में होनी चाहिए। होनी चाहिए, समझ गई? हाँ हाँ समझ गई, आप निश्चिंत रहिए सब हो जाएगा। ये काढ़ा पी लीजिए। चल शुभ रात्रि। वाह भाई, इसने तो तुझे ही काम पर लगा दिया रामा। अतिथि है भाई, आदर सत्कार तो धर्म है हमारा। क्या लगता है रामा, ये चोर हो सकती है? नहीं बंधु, किसी भी कोण से नहीं, इसे तो स्वयं से ही अवकाश नहीं, ये कहाँ चोरी चकारी के चक्कर में पड़ने वाली, ये इसके बस का रोग नहीं है। ये भी आता लगता है। क्या लगता है? ये चोली वाली उसके बस की बात नहीं है, वो फिल्म की क्या चोली करेगी। वाह वाह गुंडप्पे, तेरा दिमाग भी चलने लगा है। अच्छा वो आचली इतनी रात से यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, पता तो करना पड़ेगा, पर उससे पहले अपने बाकी बचे दो अतिथियों से मिल लिया जाए, फिर देखते हैं उन्हें। चल पहले श्रीमान सोमनाथ जी से मिला जाए। चल। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं आप मान्यवर? परमात्मा जैसा अनुभव हो रहा है महोदय। कहाँ वो हमारी दो सूखी रोटी का आत्मिक सुख, कहाँ इन 56 भोगों का आडंबर, कहाँ वो धरती का ममतामय बिछौना, कहाँ इन शाही बिस्तरों की बेचैनी। पर कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, हो जाने दीजिए संगीत सभा, उसके बाद इन धनवानों को पता चलेगा कि संगीत किसी की बपौती नहीं है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसके योग्य होते हैं। एक बार मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊं, फिर मैं दिलवाऊंगा अपने निर्धन भाइयों का अधिकार। आहा हा हा, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी मान्यवर, बस इसी तरह इस पर डटे रहिए और अपने संगीत की पूरी शक्ति झोंक डालिए इस प्रतियोगिता को जीतने में। भगवान गणपति महाराज आपको अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। अरे ये वहां पड़ी हुई थी, मेरी नहीं है, संभवतः बाहर किसी की। लामा ये तो तेरी विवाह वाली अंगूठी है। जी ये मेरी अंगूठी है, मेरी ही है। धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप कल प्रातःकाल मिलते हैं। विवाह की अंगूठे नहीं तंबाल सकता, चंद्रमणि क्या तंबालेगा? अरे मैंने ही रखी थी वहाँ मूर्ख, जानबूझकर। क्यों? इस सोमनाथ की ईमानदारी परखने के लिए। नहीं गुंडप्पे, ये चोर नहीं हो सकता, ये केवल अपनी निर्धनता से विचलित है, चोर नहीं। चल तो आचार्य कुछ सोचा आपने? वही सोच रहे हैं, सोच रहे हैं किसे आवश्यकता होगी जूते की, वो भी एक जूते की। जूता? किसका जूता? वही भीतर अपने कक्ष में उस विदेशी सुंदरी ने जिस जूते के विषय में हमसे कहा था।
गुरुजी आप फिर से भूल रहे हैं, हम यहाँ जूता ढूंढने नहीं चंद्रमणि चुराने की योजना की रूपरेखा बनाने आए हैं। फिरंगन ने आपके सामने रूप की ऐसी रेखा खींच दी है कि आप सब भूल जाते हैं। पता है हमें, चलो खाओ। जी वो क्या है कि आज अतिथियों का महल में प्रथम दिन है तो सोचा उनसे मिलकर पूछ लूं कि कहीं कोई समस्या तो नहीं, और साथ ही काढ़ा भी लाया हूँ, इससे राहत मिलेगी आपको सर्दी में। तो डब्बे ये लीजिए देवी जी, काढ़ा पीजिए, इससे बहुत आराम मिलेगा आपको। धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। वैसे बंदर बहुत पसंद है आपको? हमें सभी जीव जंतु बहुत पसंद है। इंसान पसंद नहीं है आपको? हर इंसान में भी जानवर ही छिपा है, बस अवसर की बात है। अवसर मिले तो यही इंसान गिरगिट की तरह रंग भी बदल लेता है, बिच्छू की तरह डंक भी मारता है, और सांप की तरह टसता भी है, और तो और भूखे शेर की तरह अपने शिकार पर झपट भी पड़ता है। रूपा देवी इस तरह से क्यों बात कर रही है? ऐसा लग रहा है ये सोच कुछ रही है और बोल कुछ रही है। बंदर की बात कर रही है आचार्य की। बिल्कुल सही कहा आपने देवी जी, बिल्कुल सही कहा। आशा है आप जैसा दार्शनिक युवक केवल हमें प्रसन्न करने के लिए हमसे सहमत नहीं है, सचमुच हमारी बात से सहमत भी होगा। जी देवी जी, मैं आपसे शत प्रतिशत सहमत हूँ। मैं तो स्वयं मानता हूँ कि मनुष्य जानवरों से अधिक खतरनाक होते हैं। जानवरों के स्वरूप से उनकी प्रवृत्ति का तो पता चलता है, यहाँ कौन से मनुष्य में कौन सा जानवर छिपा है किसे पता। सचमुच आप विद्वान पंडित हैं सलाहकार महोदय, आपसे भेंट करके सदैव ही बड़ी आत्मिक और आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है हमें। जी सौभाग्य है मेरा। अच्छा चलते हैं, कल आपसे भेंट होगी, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच बोल दीजिएगा। जी अवश्य। चलते हैं। चल गुंडप्पे। आइए मैं आपको द्वार तक छोड़ा दूं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। इसके बारे में क्या विचार है रामा? इसकी मंशा तो साफ सुथरी ही लग रही है। अरे नहीं बंधु, सबसे अधिक खतरा तो यही मंडरा रहा है। यदि चंद्रमणि को किसी से सावधान होना है तो यही रूपा देवी से। ऐसा क्यों? तूने ध्यान नहीं दिया बंधु, ये स्त्री जब किसी से बात करती है तो उससे आंखें नहीं मिलाती, जब भी बात करती है तो सदैव यहाँ वहाँ देखती रहती है। ऐसा केवल वही लोग करते हैं जिनके मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है और मुख पर कुछ और होता है। जो दर्शाती है वो कदापि नहीं, और जो है वो दर्शाती है। ऐसे दोगले लोग ही आघात पहुंचाते हैं। तुझे नहीं लगता रामा अधिक ही दिमाग चला रहा है? एक जरा इस सुंदरी की ओर, मुझे लगता है कि ये चोरी जैसा काम करेगी, और करेगी भी तो कैसे, आखिर एक नारी ही तो है। नारी शक्ति को चुनौती मत दे बंधु, नारी कुछ भी कर सकती है। अनेक रूपों के समावेश का नाम नारी है, वो कई रूप ले सकती है, और फिर इसका तो नाम भी रूपा देवी है। सावधान तो रहना पड़ेगा। इससे बात कर ले लामा, और ले बंधु बंधु दिया। अरे कुछ नहीं, वो अपने आप से बड़बड़ कर रहा था, तो चलना। पागल हो गया है मनुष्य। अच्छा चल। मूर्ख पंडित ये सोच रहा है कि काढ़ा पिलाने के बहाने वो सब पता कर लेगा कि वो वास्तविक चोर कौन है जो चंद्रमणि चुराने वाला है। नादान बालक ये भी नहीं जानता कि अब की बार उसका पाला किससे पाला है। वो सात जन्म भी लेगा तो कल्पना नहीं कर पाएगा कि ये काम तुम करने वाले हो।